हेलो वी वेलकम टू जी के एल क्लासेज एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू क्लास एथ साइंस वर्कशीट ट्वेंटी एट जिसकी आपकी डेट है सेकेंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो हेयर स्टूडेंट्स विल राइट देर एंड हेयर यू विल राइट योर टीचर्स नेम नाउ आर टूडेज टॉपिक इज लाइट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया सबसे पहले सीमाज मदर ब्रॉट ए न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट भाई यहाँ पे कहा गया कि सीमा की मम्मी जो है मार्केट से एक न्यू स्टील की प्लेट लेके आई एंड सीमा नोटिस दैट हर फेस वॉस क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट और सीमा ने देखा कि उसको जो है उस नई प्लेट के अंदर स्टील की प्लेट के अंदर जो अपना चेहरा पूरा एकदम क्लियर नजर आ रहा है शी इमिजिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सींग द फेस इन द ओल्ड प्लेट तो तभी वो जो है किचन में गई और उसने जो है पुराने वाली जो प्लेट है उसमें अपना फेस देखा द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लड तो उसने देखा कि जो न्यू प्लेट है उसके अंदर तो उसका चेहरा एकदम क्लियर नज़र आ रहा है लेकिन जो पुरानी प्लेट थी उसके अंदर उसका फेस जो है वो क्लियर नहीं ब्लर्ड थोड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा है द नेक्स्ट डे अगले दिन इन द स्कूल शी आज हर टीचर दैट बाई हर फेस अपियर ब्लर्ड इन द ओल्ड प्लेट तो अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि जब उसने पुरानी प्लेट में अपना फेस देखा तो वो ब्लर क्यों नजर आया तो द टीचर सेट लेट्स डू इट विद डिफरेंट सर लुक एट रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सर्फेसिस तो कह रहे हैं अलग अलग सर्फेसिस पे रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होता है उसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करते करने लगे लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन तो ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सर्फेसिज इन द टेबल एंड कम्प्लीट द टेबल तो यहाँ पे आपको सर्फेस दिए हुए हैं इसके बाद आपको बताना है कि इमेज वहाँ पे कैसी दिखेगी क्लियर दिखेगी ब्लर्ड दिखेगी या नॉट विजिबल तो फर्स्ट यहाँ पे है न्यू स्टील प्लेट तो न्यू स्टील प्लेट में तो अभी उसने भी बताया था कि कैसी जो है मेज दिखी थी एकदम क्लियर सी एल ई ए आर क्लियर तो फर्स्ट वाले में तो आपका क्लियर हो गया सेकेंड है वुडन टेबल वुडन टेबल लकड़ी के टेबल के ऊपर क्या आपको अपना फेस या चेहरा नजर आएगा नो no. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे इसके लिए नॉट विजिबल नॉट विजिबल वी आई एस आई बी एल ई नॉट विजिबल नाउ थर्ड इज मिरर तो मिरर मिरर पे यस ऑफ कोर्स आपको फेस नज़र आएगा तो इट इज़ विजिबल क्लियर सी एल ई ए आर क्लियर एकदम साफ नज़र आएगा नेक्स्ट बकेट फिल्ड विद वाटर अगर पानी जो है से भरी हुई बाल्टी है उसके अंदर आपको कैसी इमेज नज़र आती है नज़र तो आती है बट दैट इज़ लिटिल बिट ब्लर्ड वो एकदम क्लियर नहीं होती नाउ नेक्स्ट इज वॉल दीवार दीवार के ऊपर आपको अपना फेस नज़र आएगा नो no. सो हेयर यू विल राइट नॉट विजिबल नॉट विजिबल वी आई एस आई बी एल ई एंड और नेक्स्ट इज शाइनी टाइल्स अगर शाइनी आपकी जो टाइल्स हैं जैसे बाथरूम वगैरह में लगी होती हैं किचन में लगी होती हैं तो क्या आपको उसमें अपना फेस जो है वो नज़र आता है शाइनी टाइल्स हैं तो दैट द फेस विल नॉट एकदम क्लियर नज़र नहीं आएगा लेकिन जो है ब्लर्ड जो है आपको नजर आ सकता है इफ़ दे आर शाइनी

तो ये जैसे स्मूथ सरफेस है एकदम से क्लियर दिया हुआ तो इसमें जो है ये आपके जो रेज हैं ये ऐसे आ रही हैं ऐसे जा रही हैं ऐसे आ रही हैं ऐसे, है, ऐसे जा रही हैं तो ये आपके क्या हैं एक दूसरे के पैलर हैं और इसमें जो है दिस इज़ इंसिडेंस ऑफ रे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये जो यहाँ से जो जा रही है जो प्लेन मिरर के ऊपर जो दैट इज़ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और जब वो रिफ्लेक्ट होकर जो है आपको बाहर जो है वो निकल रही है वहाँ से तो दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट तो इसमें आपका क्या होता है जो इंसिडेंट रे है आई इज इक्वल टू आर आई जो है आपका इंसिडेंट रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे के इन दोनों के एंगल जो हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं सो so, यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका क्या होगा इसके अंदर आपको इमेज जो है एकदम क्लियर नज़र आएगी नेक्स्ट आपका होगा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपका क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका क्या है व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इ रेगुलर सर्फेस आर नॉट पैलर इन ईच टू ईच अदर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन लाइक इसमें एग्जाम्पल दिया था ओल्ड स्टील प्लेट हैज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो ओल्ड स्टील प्लेट में जो है वहाँ पे उसमें इसीलिए वजह से उसको जो है फेस क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि जो सर्फेस है वो इरेगुलर हो गया था जब बर्तनों को क्योंकि घिसते रहते हैं तो घिस जाते हैं द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन द डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना आई इजिकल टू आर यानी इंसीडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा जो आपका जो है जो इसका जो लॉ है आपका सेम अप्लाई होगा सिर्फ यहाँ पे जो है ये जो इंसीडेंट रेज हैं ये यहाँ पे पैलर क्यों नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस तो अगर अगर ये स्मूथ होता तो ये अगेन पैरलर ही पोजीशन में निकलती है अब ये इरेगुलर सरफेस है रफ सरफेस है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है ये पेरलर नहीं है द रेज आर नॉट पेरलर ड्यू टू द इेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफ्यूजर ऑन अ सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड नाउ डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हम सारी चीज़ों को इस वजह से देख पाते हैं कि वहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट है नियरली एवरी थिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट यस तो आपको लाइट की वजह से ही जो है अगर उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट तो जैसे चांद है वो सूरज से रोशनी उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है दैट्स आओ वी सी द मून इस तरह से हमें जो मून है जो वो नजर आता है नाओ द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स अब ऐसी चीजें जो दूसरे की लाइट को लेकर फिर चमकती हुई नज़र आती हैं उन्हें बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे अभी हमने मून का एग्जांपल लिया नॉ नेक्स्ट है देर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच है सन फायर फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड अ इलेक्ट्रिक लैम्प अब ऐसी चीजें भी हैं जो अपनी खुद की लाइट जैसे सूरज है इनकी खुद की लाइट होती है फायर आग है आपकी फ्लेम ऑफ अ कैंडल जब कैंडल जलती है उसकी फ्लेम एंड इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया तो इनकी जो है लाइट्स खुद की हैं तो ये आपके कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स सो दे आर लाइट फॉल्स ऑन अवर आइस सो वही आई लाइट जो हमारी आईज़ पे पड़ती है तब हमें वो इमेज जो है वो नजर आती है दैट इज हाउवी सी दम उन्हें ऐसे ही देख पाते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देअर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसका ये आपका आंसर हो गया कि जिनकी खुद की लाइट होती है उनको कौन से ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं अब इसके बाद आपके जो है नीचे आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो इसके आंसर्स यहाँ लिख दिए गए हैं अ अलर बीम ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग सम रफ समर्फेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई अवर इमेज इज नॉट क्लियर वैन वी फेस इन द ओल्ड प्लेट पुरानी प्लेट में देखते हैं तो हमें फेस जो है क्लियर नहीं दिखता क्यों एन ओल्ड स्टील प्लेट Uh, there are no irregularities on the surface and the reflection of irregular regular reflection after regular washing the surface is corroded a bit उसमें जो है वॉशिंग हुई पुरानी हो गई वो प्लेट तो उसकी जो ऊपर की जो पॉलिश है वो भी जो है वो हट जाती है एंड इट कॉजेज द रिफ्लेक्शन टू बिकम इनरेगुलर एंड नॉट प्रॉपर इमेज इज फॉर्म नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बताने हैं तो टू पॉइंट्स हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिखे हैं एंड टू पॉइंट जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिखे हैं इट इज अ फिनोमिनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द स्कैटर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द रफ एंड ब्लड सर्फेस तो uh, आपने यहाँ पे देखा था कि जो इसमें जो रेज हैं वो क्या हो जाती हैं जो इंसिडेंट रे है वो आती सीधी है लेकिन उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है और रिफ्रैक्टेड लेजर रेज आर नॉट पैर और जितनी भी रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड uh, जो आपकी रेज है वो पैर नहीं होती और रेगुलर में क्या है आपका इट इज़ फिनोमिनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ वेल डिफाइंड डायरेक्शन ड्यू टू स्मूथ सर्फेस और इसमें क्या होगा आपका ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैर Now next question is what are luminous objects give two examples the object which give their own light are called luminous objects So अभी आपने पीछे पढ़ा था ऐसे objects जिनमें खुद की light होती है उनको जो है luminous objects बोलते हैं example आपने जैसे sun fire now next is name two uh, surfaces on which regular reflection will take place तो जहाँ पे regular reflection हो सकता है तो जैसे new uh, यहाँ पे sorry style it is written style तो ये इसको style नहीं है यहाँ पे आपको s t l आ जाएगा s t double e l, -E -L. न्यू स्टील प्लेट और एक प्लेन मिरर तो यहाँ पे जो है आपकी जो है रेगुलर इमेजेस जो है वो नज़र आती हैं आई होप आपको आज की वर्कशीट जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग